तो गाइज यहाँ पर भाई अभी आप देख सकते हो अभी मैं जर्नी है जो स्टार्ट कर रहा हूँ और ये मेरी 75% है जो भरी हुई है मेरे वाले फ़ोन में। ठीक है गाइज, तो ये मेरे ये यहाँ पर देख सकते हो आप, तो ये मतलब कि मेरे नाम से ही होगा कुलविंदर। ऊपर यहाँ से देखो मैं आपको प्रोफाइल खोल के दिखा देता हूँ, तो यहाँ पर ये मेरा ही है। तो अभी मैं आपको आगे रास्ते में बताऊँगा कि कितने किलोमीटर पर मुझे कितने मिले हैं और देखते हैं आज कितने स्क्रैच कार्ड मिले हैं। तो गाइज अभी हम लगभग 30 किलोमीटर आए थे, तो ये यहाँ पर देख सकते हो ये 100% पूरी हो चुकी है और यहाँ से मैं इसको स्क्रैच कर लूँगा तो भाई 8 रुपये हैं जो मिल चुके हैं और ऊपर से पेटीएम पर भी देख लो नोटिफिकेशन है जो आ चुका है। तो अभी हम आगे देखते हैं कि कितने किलोमीटर पर अभी जाना है, मतलब कितने किलोमीटर पर है जो अगला स्क्रैच कार्ड मिलेगा। यहाँ पर आप देखोगे तो भाई मेरी ये वाली ऑन नहीं है, ये वाली थी सिर्फ, तो इससे पहले यहाँ ये 75% थी, तो अभी 30 किलोमीटर आने पर ये 25% है जो और बढ़ चुकी है। अभी मैं आपको आगे दिखा दूंगा कि आगे मतलब कि कितने किलोमीटर जाने पर है जो ये भरेगी। ठीक है भाई, तो वीडियो के साथ एंड तक बने रहे। अभी देखो ये फिर से भी 14% हो चुकी है, मतलब कि 100% होने के बाद भी 14% और हम एक्स्ट्रा आ चुके हैं। ठीक है भाई, तो इसलिए ये कोई मायने नहीं रखता, आपको ज़्यादा स्क्रैच कार्ड भी मिल सकते हैं अगर आपने पहले वाला स्क्रैच ना किया हो। तो चलिए अभी आगे दिखाऊंगा आपको कितने पर कितना मिलेगा। सो गाइस देखो अभी हम जा रहे हैं रास्ते में, तो अभी आप देख सकते हो यार ये बस जा रही है, तो इस वाले फ़ोन में भी भाई हमने चला रखा है दूसरे में, तो जिस फ़ोन से मैं पहले वीडियो बना रहा था, मतलब कि जिस फ़ोन में अभी ये शूट हो रहा है, तो ये मेरा फ़ोन है और ये मेरे फ्रेंड का फ़ोन है। इसमें अगर आप अर्निंग देखोगे भाई 725 रुपये की अर्निंग है भाई ने करी हुई। ठीक है भाई, तो दोनों फ़ोन में चल रहे हैं और अभी हम साथ साथ में जो भी पेट्रोल पंप आते हैं तो उनकी फ़ोटोज़ वगैरह भी खींच कर लेके जा रहे हैं। तो गाइस अभी हम लगभग यार 60 किलोमीटर तक आ चुके हैं, तो अगर मैं अर्निंग की बात करूँ यहाँ पर आप देख सकते हो भाई 49% जो हो चुका है और यहाँ पर भाई देखो मैं आपको मीटर भी शो कर देता हूँ, तो आप देख लेना आगे मैं आपको दिखा दूँगा कितने किलोमीटर चला है कितने नहीं। तो अभी यहाँ पर आप देख सकते हो अगर आपको दिखाई दे रहा है तो चाहे आप इस प्रकार से देख लो भाई मेरा 49% हो चुका है अभी, बाकी देखते हैं भाई मीटर भी मैं फिर से दिखा देता हूँ देख लो भाई। तो अभी जाएंगे, अभी तो काफ़ी दूर जाना है। सो गाइस यहाँ पर देखो भाई 100% हमारा हो चुका है और हम लगभग भाई यहाँ पर अभी आ चुके हैं, मैं बाइक देख कर दिखा देता हूँ आपको। तो भाई हम लगभग यार 90 किलोमीटर तक आ चुके हैं, 90 का भी 92 किलोमीटर आ चुके हैं। तो पहले हम इसको स्क्रैच कर लेते हैं, आपको पता है कि पहले 430 थे तो 8 का स्क्रैच कार्ड मिला, तो अभी देखो क्या बात है यार 10 रुपये का स्क्रैच कार्ड है जो मिल चुका है। तो यहाँ से मैं इसको कट कर देता हूँ, तो ऊपर से भी हमारा अभी ये अभी आ जाएगा मैसेज। तो भाई देखो यहाँ पर भाई हमें पेटीएम से ऊपर से भी देखो भाई मैसेज आ चुका है कैश बैक का रिसीवड फ्रॉम। ठीक है, तो इसको भी मैं कट कर देता हूँ। ठीक है, तो ये हमने स्क्रैच कर लिया है, वैसे ही शोर है। अभी देखोगे तो भाई देखो ये 10 वाला हमें अभी आया है, पहले 8 आया था। ठीक है, तो अभी मुझे 90 किलोमीटर चलाऊँ और अभी तक 2 स्क्रैच कार्ड हैं जो आ चुके हैं। ठीक है, तो मैं इसको फिर से ओपन करके आपको दिखा देता हूँ एक बार में। तो अभी मेरा घर है जो भाई लगभग यहाँ से 90 किलोमीटर और मान लो कि है, देखते हैं अभी देखो यहाँ पर 0 है, देखते हैं घर पहुंचते कितना हो जाएगा। ठीक है भाई, तो आगे की अपडेट आपको आगे मिलेगी। हम घर पहुंच चुके हैं, तो यहाँ पर देखोगे तो भाई 77% है जो अभी तक भरा है, यानी कि टोटल 185 किलोमीटर बाइक चली है और 185 किलोमीटर में मुझे 2 स्क्रैच कार्ड मिले हैं जो भी यहाँ पर मैं डिटेल दिखा देता हूँ आपको, ये 10 वाला और ये 8 वाला, और जो तीसरा है वो 77% है भर चुका है। बाकी हमने भाई PUI पेट्रोल पंप की फोटो खींचकर अर्निंग करी है, देखो कितनी सारी खींची है। तो बाकी भी आपको पता चल गया होगा भाई कितने किलोमीटर पर कितनी अर्निंग हो रही है। सो आई होप गाइस कि आप समझ गए होंगे कि किस प्रकार से ड्राइविंग से स्क्रैच कार्ड मिलते हैं। तो देखो भाई मैं जब घर से निकला था, मैंने स्टार्टिंग से ही आपको दिखाया है, उस समय 75% था जो ग्रीन बार थी, तो 30 किलोमीटर गया तो मेरी वो भर गई। ठीक है, स्क्रैच कार्ड मिला, उसके बाद लगभग मुझे जो स्क्रैच कार्ड था भाई 60 किलोमीटर के बाद मिला है और जो लास्ट स्क्रैच कार्ड मुझे अभी तक नहीं मिला है, मतलब कि मैं घर पहुंच गया
और आगे का जो मैंने लगभग 80 किलोमीटर से मुझे कोई स्क्रैच कार्ड नहीं मिला। 80 किलोमीटर पहले मुझे स्क्रैच कार्ड मिला था जिसमें से मुझे 10 रुपये निकले, उसके बाद मैं सीधा घर आ गया लेकिन फिर भी मुझे स्क्रैच कार्ड नहीं मिला। तो अभी देखो अब कि हम बोल सकते हैं कि देखो जो मेन हाईवे है अभी वो जब पीछे पीछे वाली सड़क थी वो मेन हाईवे था तो वहाँ पर मुझे सिर्फ 60 किलोमीटर पर ही स्क्रैच कार्ड मिल गया, लेकिन अभी यहाँ पर जो मैं आगे आ गया तो सिर्फ और 80 किलोमीटर पर भी मुझे स्क्रैच कार्ड नहीं मिला, क्योंकि ये सिंगल सड़क है भाई जो भी मैं आगे आया हूँ। बाकी हो सकता है ये मायने ना रखे, लेकिन क्योंकि वैसे हम रास्ते में रुक भी गए थे भाई, हमें थोड़ा सा काम हो गया था, हो सकता है इसी कारण मुझे स्क्रैच कार्ड ना मिले हों। लेकिन अगर आप लोकल काम कर रहे हो तो भाई आप ऐसा ही मान के चलो कि 70-80 किलोमीटर पर ही स्क्रैच कार्ड मिलेगा। बाकी अपनी लोकेशन के हिसाब से देख लेना आपको, मतलब कि किस सिटी में रहते हो वहाँ पर क्या चल रहा है अभी उसका मैं नहीं बता सकता, लेकिन अभी आपने मेरा देख लिया ठीक है। चंडीगढ़ में मैं लोकल था, लोकल में भी मैंने आपको दिखाया था कि मैं 30 किलोमीटर गया था, मुझे 22-23% मेरा हो गया था ठीक है। तो लोकल में हालांकि थोड़ा स्लो होता है, लेकिन जितना कि अगर आप लॉन्ग ड्राइव पर चल रहे हो तो आपका बहुत फास्ट हो जाएगा ठीक है भाई। अगर आप बस गाड़ी किसी भी चीज़ में जा रहे हो तो लॉन्ग में आपका काफ़ी जल्दी हो जाएगा ठीक है। सो गाइज बाकी उम्मीद करता हूँ यार आने वाले समय में टास्क भी आ जाएंगे। बाकी चलो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शुक्रिया, जय हिंद, वंदे मातरम।